कल एसएससी के फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो गई। इस वीडियो में हम अभी की अपडेट बताएंगे कि क्या कुछ अपडेट हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो बोल रहे थे कि लास्ट डेट को बढ़ा देना चाहिए। अभी की अपडेट बताएंगे कि एसएससी का क्या उस पर जवाब आया है और क्या कुछ बच्चे इधर से प्रतिक्रिया कर रहे हैं और क्या कुछ हमें जो चाहते हैं कि डेट बढ़ानी चाहिए उन्हें अब क्या आगे करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसएससी की वेबसाइट का हाल क्या है। फिलहाल एसएससी की वेबसाइट पे 28 तारीख को लास्ट नोटिस आया था जिसमें उन्होंने अपना बताया था कि भाई वैकेंसी वगैरह बढ़ाई गई है। अगर आप कोई पुराना फॉर्म को लॉगिन कर रहे हो जो कि नहीं भरा गया है तो उस पे अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब अप्लाई का ऑप्शन हटा दिया गया है। रात जब तक वेबसाइट की लास्ट डेट नहीं थी तब तक वेबसाइट बिजी चली है जो कि 27 तारीख से चल रही है और काफी बच्चे इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से बच्चों को दिक्कत एक ये भी थी, बहुत से बच्चों को ये भी एरर का सामना करना पड़ा कि जब अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे थे तो वहां पे लिखा आ रहा था कि भाई जो एप्लीकेशन के सबमिट करने की लास्ट डेट है वो हो चुकी है, मतलब लास्ट डेट होने में 4 दिन है 27 तारीख की बात। बाद में भी दिक्कत आई है और उससे थोड़े पहले भी दिक्कत ये थी, लेकिन इस तरीके की भी एरर का बहुत से बच्चों को सामना करना पड़ा। तो वेबसाइट के बारे में हमने बात कर ली कि वेबसाइट पे 28 तारीख का लास्ट नोटिस पड़ा हुआ है, रेगुलर रिफ्रेश कर रहे हैं हम, उसके बाद का कोई नोटिस नहीं आया, ना ही एसएससी ने बताया कि भाई लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं। हालांकि जो एक छोटी मोटी उम्मीद थी 99% की हम बात कर रहे थे कि डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भाई 4 दिन पहले वेबसाइट बंद कर दी है और रात को भी नहीं चल रही है। तो ये चीज, ये उम्मीद तब खत्म हो गई हमारी। हमने 99% बोला था कि लास्ट डेट बढ़ेगी, लेकिन 29% मतलब 30% जो है उम्मीद हमारी खत्म हुई जब उन्होंने अप्लाई का लिंक वहां से हटा दिया। अप्लाई का लिंक हटाने के बाद मुश्किल होती है कि भाई वो बाद में उस भर्ती को चालू करें या फिर अप्लाई का लिंक जोड़े, लेकिन मतलब इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। देखो अभी ट्विटर अकाउंट, जो एसएससी का ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल अकाउंट, उसमें एक अच्छी चीज हमें देखने को मिली। जो एसएससी है उसने खुद से 30 तारीख को एक ट्वीट करा हुआ था अपने अकाउंट पे, और एसएससी ने पूछा हुआ था आप लोगों से, जो सभी अभ्यर्थी हैं उनसे पूछा हुआ था कि क्या लास्ट डेट बढ़ानी चाहिए। 3 ऑप्शन थे उसमें, उस ट्वीट में नीचे 3 पोल थे जिस पोल पे आपको एक सेलेक्ट करना था। सबसे पहला उसमें ऑप्शन था कि क्या करेक्शन डेट बढ़ानी चाहिए, पहला ऑप्शन था क्या लास्ट डेट बढ़ानी चाहिए, दूसरा ऑप्शन था क्या करेक्शन डेट लानी चाहिए, क्योंकि इस बार ऑफिशियल अकाउंट ऑफिशियल नोटिस में एसएससी ने साफ बोला था कि इस बार करेक्शन डेट नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे करेक्शन के लिए जो है परेशान है कि करेक्शन होना चाहिए फॉर्म में, बहुत से फॉर्म में गलती देखने को मिली है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, पहला ऑप्शन है कि भाई लास्ट डेट बढ़ानी चाहिए, दूसरा है करेक्शन डेट आनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन था कि ए और बी दोनों, मतलब लास्ट डेट भी बढ़ाने की कह रहे हो आप और करेक्शन डेट भी बोलने की कह रहे हो। तो 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इस पे ट्वीट करा, वो पोल का ऑप्शन करा है, जिनमें से सबसे ज्यादा बच्चों ने ये बोला है कि भाई लास्ट डेट बढ़ानी चाहिए, और उससे थोड़े कम ने बोला है, लगभग 2,000 के आसपास बच्चों ने बोला है कि भाई करेक्शन डेट आनी चाहिए, और 16% बच्चे लगभग 3,500 या 3,000 के आसपास बच्चों ने बोला है कि दोनों चीज होनी चाहिए, लास्ट डेट भी बढ़नी चाहिए और करेक्शन डेट भी आनी चाहिए। तो पहली चीज हमने आपको वेबसाइट के बारे में बताया कि 28 तारीख लास्ट डेट थी, उसके बाद कोई नोटिस, सॉरी 30 लास्ट थी, 28 तारीख को लास्ट नोटिस पड़ा हुआ था, उसके बाद कोई नोटिस नहीं आया। उम्मीद हमें थी कि भाई इस फॉर्म की लास्ट डेट खोल देंगे और जब लास्ट डेट होगी 30 तारीख को रात 11 बजे, उससे 1 या 2 घंटे पहले मैसेज आ जाएगा, एक नोटिस रिलीज कर देगी एसएससी कि भाई इस तरीके से ये जो है जो अभ्यर्थी हैं उनकी परेशानी को देखते हुए हम इसको बढ़ा देते हैं, विस्तारित कर दी जाती है और इतने तारीख तक बढ़ेगी। हम ऐसा कुछ नोटिस की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि काफी बच्चे परेशान थे, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान थे संख्या में। ठीक है, तो ट्विटर वगैरह पे ट्वीट कर रहे थे। देखो एक चीज और है, पहली चीज वेबसाइट की हमने बता दिया, दूसरी चीज हमने बता दी कि एसएससी ने खुद से अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला हुआ था जिसमें पोल थे। अब एक चीज आपको बता दें, अगर आप कोई हैशटैग ट्रेंड कराते हो, पहली चीज है हैशटैग ट्रेंड कराना। मान के चलो मैं ओलंपिक में कोई जीता है तो विनर 2022 करके, ओलंपिक विनर 2022 करके मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से डाला, वो रीट्वीट किसी ने करा और किसी दूसरे भाई ने अपने अकाउंट से डाला सेम हैशटैग, तो रीट्वीट करा, किसी और टीचर ने भी डाल दिया वो भी रीट्वीट हुआ, तो मान के चलो टोटल जो रीट्वीट हुए वो 2 लाख है। तो अगर जो ट्रेंडिंग पेज होता है ट्विटर का उसमें जो रीट्वीट होते हैं वो हैशटैग की उसमें आते हैं, हैशटैग लिखा आता है वहां पे पोल का ऑप्शन नहीं आता,
तो जो वहां पे दिखता है, अब मान के चलो मैं हूं, मैं कोई मतलब अलग ही हूं, मैं कोई बिजनेसमैन हूं, या फिर मान के चलो मैं रिक्शा चलाता हूं और मैं देख रहा हूं भाई अपना फोन में ट्विटर चला के देख रहा हूं, तो वहां पे जब मैं ट्रेंडिंग पे क्लिक करूंगा तो ट्रेंडिंग पे ऑप्शन आएगा, अगर 1 लाख ट्वीट रीट्वीट हुए होंगे उस हैशटैग के, तो वहां पे ऑप्शन आएगा कि भाई ये चीज है। तो मुझे हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है एसएससी से, लेकिन जब मैं उस रीट्वीट पे क्लिक करूंगा कि बच्चों ने इसको ट्रेंडिंग पे क्यों लाया हुआ है, क्यों हैशटैग को रीट्वीट कर रहे हैं, तो मुझे पता चलेगा कि एसएससी ने वेबसाइट को 27 तारीख के से मतलब बंद किया हुआ है, सर्वर उसके डाउन है और दोबारा से नहीं खोल रखी, तो वहां पे मैं भी अपना योगदान दे के उसे लाइक या रिट्वीट कर सकता हूं, जिससे कि रिट्वीट की संख्या बढ़ती है और आवाज और ज्यादा ऊपर तक जाती है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे एसएससी ने अपने अकाउंट से एक पोस्ट डाली जिसमें उसने पोल डाले। अब पोल पे एसएससी की वेबसाइट को लोग खोल के ऑफिशियल अकाउंट सर्च करके उस पर पोल कर रहे हैं, जो कि सिर्फ एसएससी के पास है वो डेटा, दूसरे आदमी को सर्च में पता नहीं चलनेगा। अगर आप ट्विटर पे जाके देखोगे कि भाई 10,000 रीट्वीट या फिर 20,000 रीट्वीट किसके हैं, तो एसएससी का नाम भी नहीं है उसमें। रीजन सिर्फ यही है कि उसमें हैशटैग को ट्रेंड नहीं कराया गया। तो हम एक काम करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पे हर जगह पे जितने भी हैं, इस यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी हम एक ट्वीट, 3 ट्वीट एक्चुअली वो कराएंगे हम ट्रेंड। सबसे पहला एसएससी चीफ के चीफ साहब का है और दूसरा एसएससी ऑफिशियल का है, और खान सर को भी उसमें ले लेंगे क्योंकि खान सर भी बच्चों की काफी हेल्प करते हैं और काफी उनके 99% अभियान लगभग सफल हुए हैं। ठीक है, हम भी उनको काफी देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो भी अगर बच्चों के साथ आएंगे तो फिर डेट बढ़ानी पड़ेगी। और एक चीज बताएं कि आज मतलब 1 तारीख को रात के 12 बजे से पहले, मतलब आज आज के दिन पे अगर लास्ट डेट बढ़ के आ गई तो चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 70% हमें उम्मीद है, 30% उम्मीद हमारी तब खत्म हुई जब अप्लाई का ऑप्शन उन्होंने हटा दिया बिना कोई नोटिस डाले। ठीक है, हालांकि उन्होंने पहले ही 30 तारीख को वो पोलिंग करा दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं डाला। उस 30% उम्मीद खत्म, 70% उम्मीद बच रही है अभी भी। लेकिन अगर आज रात 12 बजे से पहले पहले डेट नहीं बढ़ाई गई तो जितना लेट हो जाएगा उतना ही पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपको एक काम करना है, उन 3 जो हैशटैग है उनको अपने अकाउंट से या फिर हमारे अकाउंट से ही रीट्वीट कर देना, जैसे आपको अच्छा लगे। कुल मिला के रीट्वीट होने चाहिए, और अगर वो ऐसे हो जाए कि एक अकाउंट से सब कुछ ना लिख के सिर्फ उन हैशटैग को ही बार बार लिख के रीट्वीट किया जाए, तो उतनी ही बार वो ट्रेंडिंग पे जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग ट्विटर चलाते हो तो खुद से समझदार होंगे, क्योंकि ये पहला कोई अभियान नहीं है, इससे पहले कई अभियान हुए हैं, लेकिन भाई मतलब ऐसा पहली बार ऐसे हुआ है कि गवर्नमेंट ने खुद से बोला है कि भाई आपको 3 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब अगर आपकी उम्र जनरल वालों की 18 से 23 साल है तो उनको 3 साल और मिल रहे हैं। वो इस भर्ती में हुआ है कि सरकार ने खुद से एक अच्छा कदम उठाया है। ठीक है, हर कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन के ऊपर 3 साल मिले हैं। ठीक है, तो कुल अगर वैसे बात करें कैटेगरी की, कैटेगरी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि पहले से कई बार कॉपीराइट स्ट्राइक आए हैं हमें कैटेगरी का नाम लेने से। तो अगर हम कैटेगरी वाइज बोले तो इसमें जनरल की बात कर लें तो इसमें है 26 साल, और अगर आगे बात करें उनके बाद तो 3 साल और बढ़ जाएंगे क्योंकि 3 साल उन्हें मिलते थे, तो 23 हो गए, 26, 29 साल हो गए, और फिर उसके आगे जो कैटेगरी आती है तो उसमें होते हैं 31 साल। ठीक है, तो इस तरीके से है कुछ बात। तो ये भाई वीडियो थी, अगर देखते हैं बाकी क्या कुछ होता है, हम जितनी कोशिश होगी वो करेंगे। हमने अपने ट्विटर अकाउंट पे 3 ट्वीट स्प्लिट करके डाल दिए हैं, जिसको आप रीट्वीट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लेना। लेकिन आज का मौका है, आपको ये चीज ध्यान रखना कि आज आज का मौका है आपके पास। अगर आज डेट बढ़ जाती है तो रहेगा, नहीं तो फिर 50% चांस हो जाएंगे, और अगर कल भी नहीं बढ़ी 2 तारीख को फिर हमारे चांस हैं 0। हम फिर बिल्कुल भी आपसे नहीं बोलेंगे कि हमें भाई उम्मीद है इसकी डेट बढ़ने की। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी आपको जो चीज बोला है उसको एक बार आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में फिलहाल एसएससी की वेबसाइट की क्या हालत है, क्या कुछ एसएससी की क्या अपडेट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई लास्ट डेट बढ़ दीजिए तो आपको ट्वीट शायद करना पड़ेगा, और वैसे तो कल के उस बेस पे भी खोल सकती है, लेकिन एक बार और थोड़ा सा अगर आप दम लगाओगे तो शायद कुछ हो जाए। ठीक है,
तो ये चीज है भाई। बाकी आपका कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, कोई वीडियो से कुछ आपको क्वेरी हो, कुछ बोलना हो जो कि बाकी बच्चों को समझना जरूरी है, सुनना जरूरी है, तो हम उस कमेंट को पिन कर देंगे। अगर कुछ आपके पास ऐसा है जो इस वीडियो के नीचे हमें इसमें बोलना चाहिए था और हम नहीं बोल पाए, ठीक है, तो बोल देना नीचे कमेंट में, लिख देना, हम उसको पिन कर देंगे जिससे कि बाकी बच्चों की नजर भी उस पर पड़े। और इसके नीचे कमेंट करने से अच्छा आप ट्विटर पे जाना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां, उसके माध्यम से ट्विटर पे जाना और वहां पे ट्वीट आपको करना है, ठीक है। तो सिर्फ इतना करना है आपको, अगर आपका फिर भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो कमेंट करना।